नून टू ऑल ऑफ यू छोटो को ढेर सारा प्यार बड़ों को पैरी पाना जी। गाइस कल रक्षाबंधन था और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और बहुत हेक्टिक शेड्यूल गया, लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि ऐसा हेक्टिक होना बड़ा अच्छा लगता है जब सारे भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं और त्यौहार को इन्जॉय करते हैं। तो रक्षाबंधन शुरू होते ही सारे त्यौहारों का एक जो सीरीज होता है, जो एक सीरियल होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अभी है काम का टाइम और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप कोलकाता डॉक्टर रेप केस का जो भी अपडेट है वो लेते रहिए, जितना सपोर्ट है वो करते रहिए, क्योंकि मेरा काम अब आजकल यही हो रहा है। सुबह सुबह नाश्ता करते समय मैं न्यूज़ देखते देखते कान में लीड लगाकर सारा अपडेट देखती रहती हूँ कि कब कहाँ पर क्या हुआ। और जो भी वहाँ पर मंत्री हैं उन्होंने ये वार्निंग देनी शुरू कर दी कि जो भी इस केस के लिए जाएगा या जो भी इस एक्शन को आगे बढ़ाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब रेपिस्ट का कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग सपोर्ट करें उनको जेल में डाल दिया जाएगा। दिस इज़ द इंडियन लॉ और हम कहते हैं कि दैट वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। तो इन चीज़ों को देखकर तो प्राउड फील होने वाली बात ही नहीं है। और इस मूवमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था यूएसए में इवन कि जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं वो भी आगे आ गए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब बाहर के लोगों को ये चीज़ें फील हो सकती हैं तो हम तो अपने ही देश के लोग हैं, वी आर इंडियन एक्चुअली, तो हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये हमारे साथ, आपके साथ, किसी की बेटी बहन के साथ कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस मूवमेंट। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ। ये देखिए ब्रूनो को, मासूम सा बच्चा, ये मेरी बेल्ट उठा के ले आया है वहाँ से जो मैंने वेस्ट पे लगा रखी थी, और इसकी कटिंग करानी है। अब देखो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब मिलती है, आज तो नहीं हो पाएगा, तो कल आरव ने स्कूल जाना है और डॉक्टर कह रहे हैं कि सुबह ही आपको इसकी कटिंग करानी पड़ेगी आके। और ये बिल्कुल भालू जैसे बाल हुए पड़े, आप देख रहे हैं इसको, ये बघीरा बना पड़ा है हमारा बघीरा। बस टी शर्ट मिल गई इसको आरव की, चप चप हट पीछे हट जा। के कपड़े पड़े हैं कुर्सी पे, इनको मैं अभी तय लगा के रख दूँ, और गद्दे पर तो चादर बिछाने नहीं क्योंकि सारी इकट्ठी कर देता है, बस एक ही बहुत है। सारे काम खत्म करके आरफ की ब्लैक ओवर साइज टी शर्ट ढूंढनी है जो मिली नहीं रही, उसके खाने में अलमारी में तो कहीं है नहीं, अरे रुक जा, तो मुझे अब अपने खाने में देखना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर की है, और मेरे भी कई सूट और टी शर्ट ब्लैक हैं, तो ये ना हो कि उसकी टी शर्ट मैंने अपनी अलमारी में अपने कपड़े समझ के रख दी हो। तो ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी फेवरेट टी शर्ट है वो मिल नहीं रही है। तो चलिए अपना काम निपटा के उसकी टी शर्ट ढूंढने का काम शुरू करते हैं, और मैं आपको चुपचाप दिखाती हूँ। देखो तू ना बड़ा बदमाश, अभी बेल्ट से खेल रहा था, जैसे मैंने व्लॉग ऑन किया देखो कैसे मासूम सा बन के बैठ गया। आप देख रहे हो व्लॉग ऑन होते ही इसने बेल्ट छोड़ दी मेरी, इसको समझ आती है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वेरी स्मार्ट। ये देखिए हमारे ब्रूनो को बिना कुछ खाए पिए बेहोश आत्मा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। इसे कुछ मत दो, एसी चला दो, और ये देखो इसका हाल, आप देख रहे हो एसी ऑन करते ही माशा जी कैसे बेहोश हो गए, देखो देखो बेहोश। ब्रूनो नहीं, चेम चेम नहीं दिखा रही मैं, बोनी देखो देखो देखो, ना ना बेहोश, आंखें टेढ़ी करके देख रहा है, देख पोजीशन नहीं सीधी करेगा अपनी, बदतमीज कहीं का, मस्ती खोर आलसी। देखिए अमेजोन से सामान मंगवाया था जो आ गया, 3 बज गए और अभी तक नहाने धोने का पता नहीं है। ये मैंने 2 टिश्यू पेपर मंगवाए थे तो ये आ गए हैं, सही रेट पे मिल गए बड़े। और ये था, अरे आ जा यार, चिकन नगेट्स ख़त्म थे, एयर फ्रायर आ गया, हमें निकाला गया, तो अब ये कभी बना ही सकते हैं, लेकिन आज ट्यूसडे है, आज तो बनेगा नहीं, सॉरी। ये मेरा बाम ख़त्म था बैक पेन वाला, ये आ गया, देन छाछ, और ये ओडोमॉल, इसके बिना तो मैं रात को सो ही नहीं पाती, मच्छर बड़ा काटता है और पूरे घर में सिर्फ मुझे काटता है, किसी को नहीं मच्छर काटता। तो बस ये छाछ है, ये रखते हैं अंदर। तो ये सामान था जो लाना था, तू मत आ, तू अंदर ही रह, तो ये सब फटाफट फ्रिज में रखते हैं नगेट्स के साथ। वेलकम बैक गाइस, बच्चे पढ़ने आ गए और मैं भाग रही हूँ पढ़ाने, क्योंकि आज टाइम लगा ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप व्लॉग भी बना पाओ, क्योंकि कभी बच्चों की पढ़ाई है, कभी काम है, कभी कुछ है, तो व्लॉगिंग हर वक्त पॉसिबल नहीं होती। और कई बार क्या होता है ना, मूड ही नहीं होता, मतलब मूड ही नहीं होता, ऐसा सड़ा सा मूड हुआ होता है कि व्लॉग करने का भी मन नहीं करता। तो आज बस कुछ ऐसा ही मूड था मेरा, सड़ा सा मूड था, मेरा मन ही नहीं किया व्लॉग बनाने का, तो मैंने बनाया ही नहीं। मैंने कहा जब मूड ठीक होगा तब बनाऊंगी, तो बस नहा धो के पाठ पूजा कर ली, थोड़ा सा दिमाग भी शांत हो गया, थोड़ा सा मूड भी ठीक हो गया, तो व्लॉग शुरू कर लिया। तो यहाँ से थोड़ा सा ना मेरा खिसक जाता है कई बार, बहुत ज़्यादा वाला काम ही ऐसे ऐसे हो जाते हैं लोगों के, मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए छोड़िए जोक से पार्ट, तो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ और अब आपसे मिलती हूँ शाम को अच्छे से मूड में। चलिए हमारी बच्चा पार्टी पढ़कर गई और टाइम हो रहा है 8:30, बस अभी हम फ्री हुए और मैंने ना आज समोसे मंगवा लिए हैं, मतलब 2 मंगवाए हैं मेरे हस्बैंड के लिए और एक मेरे लिए। तो दोपहर को बस एक ही रोटी खाई थी, फटाफट में टाइम ही नहीं मिला था,
तो मैं एक समोसा लगाऊंगी ब्रेड के अंदर, आलू निकाल के ऑब्वियसली सिर्फ जो ऊपर की लेयर होती है वो खाऊंगी, उसके बाद रूम समेटूंगी और कोई काम शुरू करूंगी, बिकॉज राइट नाउ आई एम डैम हंग्री सीरियसली। कमरे का लुक है और ये हमारा ब्रूनो जो वेट कर रहा है कि मुझे पिंजरे से आज़ाद किया जाए। तो चलिए ये रहे समोसे हमारे दो दो, तो एक हमारा एक इनका, दिखाते हैं अभी। दिस इज़ माई समोसा ब्रेड, ये देखिए मैंने पूरा भर लिया आज, आलू भी नहीं निकाले, मिर्ची लगी तो निकालूंगी, और ये चटनी। तो पहले करते हैं पेट पूजा और वो देखो ब्रूनो के काम, देख रहे हो आप, मैंने ब्रेड मक्खन लगा कर दिया और उसने साइड पे फेंक दिया सारा। जैसे मैं हुआ ही और मैं आई थी ब्रूनो के डीवॉर्मिंग के लिए दवाई लेने, जो मैंने ले ली है, बट अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको सुबह ही लाना पड़ेगा उसको कोई 12-12:30 बजे तक कटिंग कराने के लिए, वरना उसका ट्रिमिंग हो नहीं पाएगा और अगले महीने उसका फिर मेडिकेशन भी है, तो पता नहीं इस महीने जाएँ कि अगले महीने, गॉड नोस। ये देखिए इसकी डॉक्टर की शॉप, हमारे ब्रूनो के डॉक्टर हैं और लाइफ लाइन क्लिनिक है, और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव और फ्रेंडली हैं, तो बहुत अच्छे से एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। गाइस मैं मंदिर से आ गई और मैं खा रही हूँ टॉफ़ी, मुझे याद आया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, अरे तो मेरा ब्लॉग बना भी नहीं है, तो पंडित जी टीका लगाना भूल गया आज। एक्चुअली मंदिर में रश बहुत था और हिटलर वाले पंडित जी वो भी खड़े थे, इसलिए ब्लॉग नहीं बना, और टीका भी रह गया। चलो कोई बात नहीं, दोनों के लिए मैं नई चॉकलेट आई हूँ जिसको लेके वो आराम से धीरे धीरे लगा हुआ है। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये चॉकलेट मैंने आधी करने की बड़ी कोशिश की कि टूट जाए, बट ये मेरे से टूटी नहीं, अभी लगा हुआ है आराम से चबाने में, खाली नहीं खाई तो थैली में डाल देंगे इसको, थोड़ी सी कल खा लेगा, बट ये टूट नहीं रही। ये है इसकी डीवॉर्मिंग की दवाई जो इसे रात को खाना खाने के बाद देनी है, तो अभी इसे कुछ खिला पिला के फिर ये देंगे। गाइस ये देखिए इधर राजमा बन गए हैं जो मैंने दिखाए नहीं है, प्रेशर है, इधर चाट मसाला रेडी हो रहा है फटाफट 2 मिनट वाला, और मैं चाट पे सिर्फ 250 ग्राम लाई हूँ क्योंकि ज़्यादा किसी ने खानी नहीं है, ये हमारे आरवी के लिए बनानी पड़ती है, और इसमें मैं ये SDS का चाट मसाला जो डालूँगी एक ही पैकेट डालूँगी क्योंकि 250 ग्राम है, आधा किलो में पूरा डल जाता है, तो बस ये चाट पे वाइट ही मिली है, रेड मिलेगी नहीं आज, तो ये काट कर ये मसाला डाल के चाप रेडी करते हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट प्याज टमाटर में डाल दिया गया। ऐसे देखिए मसाला चाप भी रेडी, मैंने ना छोटी कढ़ाई में बना लिया बट ये काफ़ी ऊपर तक आ गया है तो बहुत ध्यान से हिलाना पड़ रहा है, और राजमा में भी ग्रेवी बहुत सारी है ये देखो, और फिर भी कहते हैं ग्रेवी कम है, देखो ज़रा डुबकियाँ मार लो, इतना सारा पानी भरा पड़ा है राजमा की ग्रेवी में कि बंदा डुबकियाँ लगा ले। तो चलिए दोनों चीज़ें रेडी हो गई और आरवी अभी तक आया नहीं है, तो बस ही इज़ अबाउट टू कम। गाइस मैंने सबको खाना दे दिया और राजमा और चांपे खा के ना सब टू गुड, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा खाना मैं अच्छा बनाती हूँ नो डाउट, चाहे कोई माने या ना माने आई डोंट केयर, बट आई कुक रियली टेस्टी फूड, आई नॉट टच वुड बाय द गॉड ग्रेस, सारा कमाल मसालों को आता है और तारीफें मुझे मिल जाती हैं। तो आरव और मेरे हस्बैंड दोनों ही बड़े खुश होकर खा रहे हैं राजमा और चांपे, तो चलिए थोड़ी सी मेहनत करो और इतनी तारीफें और वाह वाह मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, तारीफें एक्चुअली। और मैं पता क्या खा रही हूँ, देखो मेरा दिमाग, राजमा भी बना लिए चापे भी बना लिए और अपने लिए कुछ नहीं निकाला, एक्चुअली चापे तो मैं खाती नहीं मुझे पसंद ही नहीं है, राजमा जल्दी जल्दी मैं भूल गई कि बिना मसाले वाले निकाल लूँ, तो अब मुझे लग रही है हल्की हल्की भूख क्योंकि समोसा ब्रेड खाए हुए हैं, तो मैं कर रही हूँ ये 2 ब्रेड पीस, दूध कर रही हूँ गर्म, दूध में डिप डिप करके थोड़ी सी चीनी डाल के, मतलब जो मेरे वो है खंड, देसी खंड वो डाल के वो मैं खाऊंगी रात को डिनर में, तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और मेरी दादी और मेरी मदर बहुत खाते थे ऐसे, जब उनको शाम को हल्की हल्की भूख लगती थी ना वो ये सब चीज़ें बहुत खाते थे, तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए एक मग लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं, और मग इसलिए कि ब्रेड अच्छे से दूध में डिप डिप हो जाए। गाय से देखिए मग लिया है, उसमें डाला है दूध और डाली ब्रेड, तो ये मैं खाऊंगी अब रात को, एंड आई लव दिस सीरियसली, मेरी वाइट ब्रेड तो होती नहीं मैदे वाली, इट इज़ आटा ब्रेड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रोटी ना खाई आटा ब्रेड खा ली, हल्का फुल्का एंड लाइट एंड हेल्दी। गाइस अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड खाते खाते, और मिलती हूँ आपसे कल सुबह उठते उठते, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। आज एक रील भी बन गई, आज एक यूट्यूब पे शॉर्ट भी डल गया, तो जहाँ जब टाइम मिले तब करते जाओ, अगले महीने बच्चों के टर्मिनल स्टार्ट है semester 1, ओहो बाप रे मेरी बड़ी बैंड बजती है, क्योंकि मेरे पास तो बच्चे भी ना एक से एक एंटी खाते हैं शुरू से, एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट समझ, जो बिल्कुल मतलब पास भी नहीं होने की कंडीशन में नहीं होते, उनको कौन याद आती है मीनू चौहान। तो चलिए गाइस इसी तरह से प्यार से मुस्कुराते हुए करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं सुबह, बाय बाय।